नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साहित्य यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज का जो हमारा टेस्ट है वो हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में मतलब कंप्लीट हिस्ट्री का टेस्ट होगा। एशियड, मेडिवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्रियों का इसमें सम्मिलित रूप से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी कल के टेस्ट की मैं बात करा बता दूँ, कल का टेस्ट जो होगा वो इंडियन ज्योग्राफी का होगा। आप लोग इंडियन ज्योग्राफी तैयार कर लीजिएगा, उससे संबंधित प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो टेस्ट इतिहास का है, काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन है और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा अटेम्प्ट करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे भी, आप लोग अच्छे से इसको देंगे और शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सुबह 11 बजे देख रहे हैं तो आप लाइव चैट में दीजिए उत्तर, नहीं तो आप बाद में देख रहे हैं तो आप जा करके कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिए। बाकी जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी उसके बाद आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें उत्तर वगैरह देख सकते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो बताइए गोदीवाड़ा कहाँ से मिला था। तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? पहले का सी सही है, लोथल से मिला था। क्वेश्चन नंबर एक का जो है वो सी सही है, लोथल। क्वेश्चन नंबर दो की बात करेंगे, अकबर के समय में गोंडवाना अभियान किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर दो का जो है वो बी सही हो जाएगा, आसफ खां के द्वारा किया गया था। आसफ खां ने दक्षिण में विजय वगैरह किया था। क्वेश्चन नंबर तीन की बात करेंगे, विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर साम्राज्य जो था वो किस नदी के किनारे स्थित था बताइए। तो विजयनगर जो था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे था। बता दें कि तुंगभद्रा और कृष्णा, क्योंकि सहायक नदी है ना तुंगभद्रा कृष्णा की, तो उसके बीच का जो एरिया था उसको बोलते थे रायचूर द्वाब। रायचूर द्वाब को लेकर के देखेंगे तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े वगैरह होते रहते थे और इसी को लेकर काफ़ी विवाद था। क्यों विवाद था, रायचूर इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि दो नदियों के बीच का क्षेत्र था और ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया था, कह सकते हैं कि उपजाऊ एरिया था, खेती वगैरह भी अच्छी होती थी और सामरिक दृष्टि से भी देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और जो उस क्षेत्र में अगर जो अधिकार कर लिया जाए तो विजयनगर और बहमनी दोनों को नियंत्रित किया जा सकता था। तो इस वजह लेकर के दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा युद्ध वगैरह हुए थे। और बता दूँ कि इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बना रखी विजयनगर साम्राज्य में, आप देखिएगा मेडिवल हिस्ट्री में वीडियो मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर तीन का ए सही है, तुंगभद्रा। इसमें भी देखिए लिखा हुआ वेन गंगा घाट प्रवाह, ये सब कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, तो ये सब याद रख लीजिएगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सभी कृष्णा की सहायक नदियाँ, इससे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कृष्णा की कौन सी सहायक नदी है कौन नहीं है। तो आप याद रखें कोयना, येरला, वर्डा, भीमा मूसी, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर तीन का जो है वो ए सही है। क्वेश्चन नंबर चार की बात करेंगे, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर चार का जो है वो सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट। वैसे कहते हैं ना, अभिलेखों में मिला है कि श्रीगुप्त पहला शासक था, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद घटोत्कच आता है, उसके बाद में देखेंगे तो चंद्रगुप्त फर्स्ट आता है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही माना जाता है कि वास्तविक गुप्त वंश का संस्थापक है, इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। उसने महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले धारण भी की थी। क्वेश्चन नंबर पाँच की बात करेंगे, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? जब बात करेंगे संगम साहित्य की, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया था, सिलप्पिदिकारम। अभी जब आगे दक्षिण भारत की बात करेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे इन सब के बारे में। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया था, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर छः की बात करेंगे, संगम युग का प्रमुख बंदरगाह
या समुद्र पतन बंदरगाह को समुद्र पतन भी कहते हैं, कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, पुहार। क्योंकि मैं बता दूं कि पुहार को कावेरी पत्तनम भी बोलते थे, ये चोलों की तटीय राजधानी भी थी, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है पुहार। क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही है, पुहार। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, निम्न में से किसने कलकत्ता की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो कलकत्ता की जो स्थापना किया था किसने किया था, जॉब चारनोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही हो जाएगा, जॉब चारनोक। गोविंदपुर, सुतानाती, इन सबको मिला करके। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न शासकों में से किसने मेहरकुल से अपने चरणों की वंदना करवाई? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही है, यशोधर्मन। यशोधर्मन ने करवाया था। आज शाम को वीडियो आएगी इसके ऊपर जिसमें हम बात करेंगे, जो मैं बता रहा था, तो उत्तरोत्तर गुप्त काल की चर्चा करेंगे, तो उसमें से मालवा के शासक यशोवर्मन की भी चर्चा होगी और मेहरकुल की भी चर्चा करेंगे। मेहरकुल दरअसल हूढ़ शासक था, जिसके कहते हैं कि किसी के सामने वो झुका नहीं था, किसी से हार नहीं माना था, लेकिन यशोधर्मन ने उसको हराया था। हराने के बाद अपनी चरण वंदना भी करवाई थी, और मेहरकुल को कहते हैं कि दुष्टों में प्रथम था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही है, यशोधर्मन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, अजंता एवं एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं, मतलब किस राज्य में स्थित हैं, बताइए। तो अजंता एवं एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही हो जाएगा, बी नरसिंह वर्मन ने करवाया था। सप्तरथ में देखिए 10 मंदिर, सप्तरथ में 7 मंदिर बने हुए हैं अलग अलग, उनमें से आप लोग देखिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपको इससे परीक्षा में प्रश्न मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसने बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया? लॉर्ड कर्जन ने, क्वेश्चन नंबर 11 का है, ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा बी, अग्रहार। अग्रहार बोलते थे, 12 का बी सही है, अग्रहार। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन इस्लामाबाद, दिल्ली, काबुल, लाहौर है।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो इसको लाहौर में ही दफनाया गया। कि मैं बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर ही थी, वहीं से वो शासन करता था। इसके बाद जब देखेंगे इल्तुतमिश आता है तो उसने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। और कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि वगैरह तो धारण नहीं की थी। इसके बाद इल्तुतमिश ने करता है, इल्तुतमिश क्या करता है, बगदाद के खलीफा से खिलाहत प्राप्त करता है। उसके बाद में क्या बन जाता है, सुल्तान बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो डी सही है, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, भारत में पहला पुर्तगाल वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, निम्न में से किस वाकाटक रानी ने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी? तो इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही हो जाएगा, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र अभिलेख है जिसमें चर्चा की गई है, भूमिदान का बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, तो आइए देखते हैं अकबर के काल की निम्न घटनाओं का कालानुक्रम सेट करें, अर्थात जो पहले हुई उसको पहले, जो बाद में उसको बाद में सेट करना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मतलब तीन बिंदु दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको कूट के आधार पर उत्तर देना है, जिसमें जजिया कर की समाप्ति, घोड़ों को दागना, प्रांतों का गठन। बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, देखिए जजिया कर की बात करेंगे, समाप्ति जब उसने की थी तो 1664 में कर दी थी, 1564 में, और घोड़ों को दागने की प्रथा 1574 में, और प्रांतों का गठन 1580 में। तो क्रम देखें तो सही है, पहला दूसरा तीसरा सही सुमेलित हैं, मतलब सही है, कालानुक्रम यही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो डी सही है, पहला दूसरा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, किस मुगल शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया? 17 का उत्तर दीजिए। तो किस मुगल शासक ने चलवाया था? तो बाबर ने चलवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही है, बाबर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, सर ए पुल के युद्ध में किसने बाबर को हराया था? तो सर ए पुल के युद्ध में सैबानी खान ने बाबर को हराया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है, सैबानी खान। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के उत्तर दीजिएगा। कूट के आधार पर युद्धों का कालानुक्रम सेट करना है कि कौन युद्ध पहले हुआ कौन बाद में हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, बहादुरपुर का युद्ध, खजुआ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, तो आपको इनको क्रम में सेट करना है कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। कूट के आधार पर उत्तर दीजिए। तो आइए देखते हैं कौन पहले हुआ कौन बाद हुआ। ये बता दें कि जो ये युद्ध है ये औरंगजेब के टाइम पे, जब देखेंगे शाहजहां की जब मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार, मृत्यु का उसको कारागार में जब डाल दिया गया, उस दौर में उत्तराधिकार को लेकर के औरंगजेब ने युद्ध किया था। तो उसमें जब हम देखेंगे तो कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, तो उसमें देखेंगे तो बहादुरपुर का युद्ध फरवरी 1658 में हुआ, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658, सामूगढ़ का युद्ध मई 1658, और खजुआ का युद्ध जनवरी 1659 में हुआ था। तो देखिए सेट कीजिए,
बहादुरपुर का युद्ध सबसे पहले हुआ, इसके बाद धर्मत का युद्ध हुआ, इसके बाद हुआ सामूगढ़ का, फिर हुआ खजुआ का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ए सही हो जाएगा, 1, 3, 4, 2 क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, निम्न में से किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत में स्थित नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे तो देखिए, जहांगीर का मकबरा जब आप देखेंगे, और उसके बाद में देखिए जैसे अकबर का और हुमायूं का तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तो जहांगीर का कहाँ है, लाहौर में है। अकबर का कहाँ है, अकबर का जब आप देखेंगे तो अकबर का जो मकबरा आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, अकबर का मकबरा जब आप देखेंगे तो स्थित है आगरा में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप देखिए सिर्फ जहांगीर का मकबरा ही जो बाहर स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 का है वो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ए, केवल एक अर्थात जहांगीर का मकबरा ही जो है बाहर स्थित है। बाकी देखेंगे जैसे बाबर का मकबरा जब आप देखेंगे तो बाबर का मकबरा जो दिखता है वो काबुल में है, और जब शाहजहां का देखेंगे तो आगरा में ही है। तो और इसी तरीके से सबके मकबरे जहाँ जहाँ पे स्थित हैं आप लोग याद कर लीजिए, जैसे बहादुर शाह जफर का देखेंगे उसका भी बाहर ही है, कहाँ रंगून में है। तो इस तरीके से मकबरे वगैरह याद कर लीजिए किसका कहाँ पर मकबरा स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, गांधी इरविन समझौते का प्रारूप किसने तैयार किया था, नया क्वेश्चन है, इसको आप नहीं पढ़े होंगे हो सकता है, इसलिए आपको इसको नोट कहीं कर लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। तो गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था लॉर्ड इमरसन ने, तो क्वेश्चन नंबर 21 का भी सही है, लॉर्ड इमरसन। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष की गई, तो किस वर्ष की गई थी, 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है लाहौर में, उसी अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, बताइए आप लोग उत्तर दीजिए। उस समय कांग्रेस का अधिवेशन, मतलब कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसका जो है वो डी सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब भाई क्वेश्चन नंबर 2 और बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, निम्न में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा, तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही है। कल के टेस्ट में कुछ मैं संशोधन किए दे रहा हूँ, कल का टेस्ट मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा टॉपिक वाइज पे आ लिया जाए। तो कल का जो टेस्ट होने वाला है वो आप लोग तैयार कीजिएगा, मुगल काल, मुगल काल का टेस्ट होगा कल। आप लोग मुगल काल को अच्छे से तैयार कीजिएगा, मुगल काल का टेस्ट हम कल लेंगे आपसे, क्योंकि ये कह सकते हैं टॉपिक वाइज रहेगा, इसको आप थोड़ा आसानी से तैयार भी कर सकते हैं। और ये दौर ऐसा है कि इसमें आप जैसे आप घर पे रह रहे हैं या जो भी करें तो पढ़ाई वगैरह अपनी कंटिन्यू रखिए, और टॉपिक वाइज जो टेस्ट होगा थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। तो कल का जो टेस्ट होने वाला है वो मुगल काल है, आप लोग मुगल काल तैयार कीजिए, फिर मैं
ज्योग्राफी वगैरह पे आऊँगा, पहले मुगल काल तैयार कीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर, कलकत्ता टेस्ट आप याद रखिएगा, मुगल काल। क्वेश्चन 25 की बात करेंगे, इंडिया डिवाइडेड किसकी कृति है? तो क्वेश्चन 25 का जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद की कृति है, क्वेश्चन 25 का डी सही है। तो आज का टेस्ट यहीं पर ख़त्म हुआ, कल मिलेंगे, कल का टेस्ट जो मैंने बताया मुगल काल का होने वाला है, आप लोग मुगल काल अच्छे से तैयार कीजिए, उससे आपसे परीक्षा में प्रश्न, परीक्षा क्या मतलब, परीक्षा में भी आते हैं और टेस्ट में भी आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी टॉपिक वाइज भी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो आप लोग इस टेस्ट की जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है, आप वो लिंक के जरिए आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको सेव करके कहीं रख लीजिए, आने वाले समय में वो आपके काफ़ी काम देगी, और उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहा कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा जानकारी भी, और भी कह सकते हैं जो चीज़ें भूल रही हैं उनको दोबारा रिवाइज कर लीजिए। जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह होंगे तो आप मान लीजिए आज मुगल काल पढ़ा, तो मुगल काल जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद में जाइएगा मुगल काल की टेस्ट ही सॉल्व कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने पढ़ रहे हैं तो किस दिशा की ओर जा रहे हैं, ये भी ज़रूरत है। तो मिलेंगे कल के टेस्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 11 बजे का टाइम रहेगा, कल थोड़ा सा टाइम में कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी तो 11:15 बजे टेस्ट शुरू हुआ था, लेकिन जो आज का टेस्ट जैसे 11 बजे शुरू हुआ है, कल का टेस्ट भी 11 बजे से ही शुरू होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।